नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 6 नवंबर से ये सत्र शुरू होगा। 5 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि आज 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर के सभी मंत्री जो हैं वो अब विधानमंडल पहुंचने लगे हैं, विधानसभा में पहुंचने लगे हैं और जल्द ही ये शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो जाएगी। बता दें कि सीएम नीतीश भी विधानमंडल पहुंचे, जहां से तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि आज विधेयक पेश किए जाएंगे। सबसे मुख्य मुद्दे जो है वो जाति जनगणना है, तो वहीं दूसरी जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें शिक्षक भर्ती सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी इन मुद्दों को लेकर के सवाल उठा रही थी और आज इन्हीं मुद्दों पर हंगामा भी हो सकता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सरकार और विपक्ष दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। हालांकि इस पर 9 नवंबर को चर्चा होगी। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में सामान्य प्रशासन और वित्त वाणिज्यिक कर के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विधेयकों को पास करने की तैयारी भी है। बता दें कि इस सत्र के दूसरे और तीसरे दिन यानी कि 7 और 8 नवंबर को पेश किए जाएंगे जो मुद्दे हैं। बता दें कि दूसरे तरफ राज्य की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। भाजपा ने नीतीश सरकार की जाति आधारित जनगणना और शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगाकर लगातार प्रश्न उठाया है और इसी प्रश्न के साथ में विधानमंडल में भी जमकर हंगामा होना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी जिस तरीके से लगातार सरकार को घेर रही थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज जमकर हंगामा होने की भी बात सामने आ रही है। आज सीएम नीतीश को घेरने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि आज जहां शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किए जाएंगे, तो वही ये देखा जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो अपनी बातों को रखता है और विपक्ष किस तरीके से सदन में हंगामा करता है। इसलिए कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।